हेलो फ्रेंड्स, इंटीग्रेशन के इस फिफ्थ पार्ट में हम बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, यानी कि इंटीग्रेशन का यूज कहाँ किया जाएगा। डेफिनेट इंटीग्रल का यूज किसी भी कर्व का अंडर में एरिया अंडर कर्व, यानी कि किसी भी कर्व के अंडर जो एरिया आएगा उसको फाइंड आउट करने के लिए हम यूज करेंगे। मान लेते हैं इफ एफ एक्स बी ए कंटिन्यूअस नॉन नेगेटिव फंक्शन इन ए ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू बी, यानी कि एक्स जो है वो क्लोज इंटरवल ए बी के अंदर लाई करे, देन द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व वाई इज इक्वल टू एफ एक्स द एक्स एक्सिस एंड द ऑर्डिनेट्स एक्स इज इक्वल टू ए एंड एक्स इज इक्वल टू बी इज गिवन बाय डेफिनेट इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ये उसके अंडर में एरिया होगा। अगर मैं इसे ग्राफिकली समझने की कोशिश करूं, मान लेते हैं कि कोई कर्व है, ये है वाई इज इक्वल टू एफ एक्स और ये इसके पॉइंट ए है और दिस इज पॉइंट बी, देन दिस एरिया is given by integration a to b fx dx. Similarly, अगर area below the x-axis हो, ये तो first quadrant था, अब x-axis के below अगर कुछ इस type की situation given हो और मान लेते हैं हमारे पास this point is a and this point is b, then the area of like shaded like this is given by a is equal to integration limit a to b minus of fx dx, यानी कि उसका माइनस आ जाएगा, माइनस साइन बाहर भी आ सकता है। सिमिलरली अगर कुछ ऐसा एरिया गिवन हो जो अबव x एक्सिस और बिलो x एक्सिस हो, मान लेते हैं कि कुछ इस टाइप के कर्व है हमारे पास, अब इसके दो पार्ट बन जाएंगे एक तरह से, दिस विल एंड दिस विल, ये ए पॉइंट है ये बी पॉइंट, मान लेते हैं ये पॉइंट सी है। अब जो एरिया आएगा वो आएगा इंटीग्रेशन ए टू सी एफ एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन सी टू बी एफ एक्स डी एक्स, इस तरीके से आ जाएगा एरिया। सिमिलरली अभी तो x कोऑर्डिनेट गिवन, अगर y कोऑर्डिनेट गिवन हो, मान लेते हैं कि कर्व लाइक दिस है और दिस इज पॉइंट y इज इक्वल टू c एंड दिस इज पॉइंट y इज इक्वल टू d, देन द एरिया विल बी गिवन बाय दिस शेडेड एरिया विल बी गिवन बाय इंटीग्रेशन ऑफ c टू d y dy या fy f of y dy, कोई कर्व है जो। सिमिलरली अगर ये माइनस इस साइड, अगर कुछ इस टाइप की कर्व गिवन है तो वो नेगेटिव हो जाएगा। इस तरह से हम जब भी हमें कोई कर्व गिवन होगी, मान लेते हैं कोई भी कर्व गिवन हो हमारे पास, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर गिवन हो, x एक्सिस हो, लाइन x इज इक्वल टू जीरो, इसके बीच का हमें ये तीन चीजें गिवन है, अब इसके बीच का एरिया निकालना हमें, हम एक रफली स्केच ग्राफ करेंगे। तो मुझे पता है कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ लाइन तो कुछ इस टाइप जाएगी, x की कुछ भी वैल्यू y तो पॉजिटिव आएगा, और x इज इक्वल टू जीरो जो लाइन है वो हमें खुद पता है कि दिस विल बी लाइक दिस y एक्सिस जो है, और एक लाइन और गिवन है x इज इक्वल टू टू, अब x इज इक्वल टू टू तो लाइन यहाँ बन जाएगी, मान लेते हैं ये फोर और दिस विल बी इक्वल टू फोर एंड दिस विल बी इक्वल टू टू, यानी ये पॉइंट है हमारा टू और फोर, देन x की वैल्यू यहाँ पर जीरो और यहाँ पर टू। अब इसके अंडर का जो कर्व निकलेगा वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं, इंटीग्रेशन एक्स स्क्र डी एक्स और ये जीरो से टू, एक्स स्क्वेयर का इंटीग्रेशन एक्स की पावर थ्री बाय थ्री और ये जीरो से टू, एट
इंटू टू यानी 16, क्यूब विल बी 8, 8 माइन बाई 3 माइनस 0 यानी एरिया आएगा इसका 8 बाई 3। इस तरीके से हम सोल्व कर सकते हैं, ये हमने इंटीग्रेशन किया इसका, इस तरीके का यूज करके कर्व का एरिया निकाला जा सकता है। सिमिलरली अगर दो कर्व गिवन हो, मान लें कि एक कर्व ऐसे गिवन थे और दूसरी ऐसे गिवन है, तो जो इनके कॉमन पॉइंट होंगे, लिमिट्स गिवन मिलेंगी हमें। मान लेते हैं दोनों ए टू बी हैं, अगर ये सी टू डी भी होती तो भी उसकी कोई सिर्फ लिमिट चेंज कर देते हम। अब जो ये रिक्वायर्ड एरिया इन इन दोनों के बीच का जो एरिया है वो विल बी गिवन बाय ए टू बी वाई अपर माइनस वाई लोअर इंटू डी एक्स। ये इनके जो भी इक्वेशन गिवन हो वो हम पुट करके इंटीग्रेशन करके सोल्व कर सकते हैं टू फाइंड द एरिया बिटवीन टू कर्व्स या फिर एरिया अंडर वन कर्व यूजिंग द गिवन कोऑर्डिनेट्स। थैंक यू।